हमारा आश्रम। तो भाई कितना सुंदर नजारा आश्रम का, और सामने कितना सुंदर मंदिर देखिए। अरे लौट रहे भाई कमरे की तरफ, और ये देखिए कितने सुंदर फूल है भाई। देखो भाई कितनी सुंदर ग्रीन जो कि भाई रियल के फूल है, प्लास्टिक फूल नहीं है जो आप देख रहे हो। ये बागवानी लगा रखी है भाई। अरे भाई दिखाते हैं अपना दोबारा आपको, दिन में कमरा और सवेरे दिखाया था। सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट मंजिल पे है भाई हमारा रूम। ये भाई कुछ बैठने की व्यवस्था कर रखी है कमरों के सामने, और ये भाई लाइन से रूम बने हुए हैं। और ये देखो हरियाली, सामने रूम है और एक इस लाइन में है कतार से। और ये भाई लास्ट रूम हमारा है जो कि आप देख रहे हो, ये वाला, ये है हमारा भाई रूम, छोटा सा रूम टूर देख लो भाई। बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। तो फाइनली भाई करते हैं अपना भारत सेवा आश्रम से चेकआउट कर दिया है। ये था भाई कुछ हमारे आश्रम का इंटीरियर, चारों तरफ से एक बार 360 व्यू दिखाते हैं आपको। और ये है भाई हमारे आश्रम का नाम और डिटेल। तो बोलो सभी मिलके हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री राम। भाई फाइनली हमने अपने गंगा सागर यात्रा का यहाँ पे भाई कर लिया समापन, दौड़ रहे अपने बस स्टॉप की तरफ, टोटो में बैठ गए। ये रही हमारी टोटो। गंगा सागर का और ये भाई मैजिक स्टैंड, अब लौट रहे हैं भाई। ये भाई हमने ऑटो कर लिया 300 रुपए में, ये हमें छोड़ देगा आपको। Oh, oh, oh.
मना रहे हैं 15 अगस्त यहाँ पे गंगा सागर पे टापू पे बच्चे, और वो भी 15 अगस्त के दिन ही मना रहे हैं भाई। ये है कुछ नज़ारा टापू का। हमारे यहाँ 14 को मना लेते हैं 15 अगस्त भाई, यहाँ 15 अगस्त को ही मनाते हैं, 16 को रहती है छुट्टी। और ये कुछ भाई नज़ारा रास्ते का टापू पर। देखिए भाई गंगा सागर पे टापू पर बच्चों का 15 अगस्त का जलूस, छोटे छोटे बच्चे भाई, और वो भी 15 अगस्त के दिन ही निकाल रहे हैं इधर जलूस भाई, क्योंकि यहाँ 15 अगस्त को जलूस निकाला जाता है और 16 तारीख को रहता है छुट्टी। ये देखिए देशभक्ति भाई पश्चिम बंगाल में गंगा सागर। भारत माता की। फाइनली पहुंच गए हैं कोचबेरिया घाट पे, अब यहाँ से पकड़ेंगे अपनी फेरी और जाएंगे कोकद्वीप। ये भाई कोचबेरिया घाट, यहाँ से पकड़ेंगे फेरी और जाएंगे सीधा कोकद्वीप।
सामने इधर कहाँ से आ रहा है भाई? ये इधर कहाँ से? बांग्लादेश से माल आता है। अच्छा, बांग्लादेश से आ रहा है। खाली करके आया माल, देख के आ रहा है। यहाँ से कितना दूर पड़ता है बांग्लादेश? ये पेड़ों के पीछे बांग्लादेश। 100 किलोमीटर बांग्लादेश। फेरी पहुंच गई है भाई काकड़ी। ये आ गया भाई काकड़ी टापू, हमारी फेरी यहाँ पे लग जाएगी और मैं इसको डीबोर्ड कर देंगे। जा रहे भाई काकड़ी रेलवे स्टेशन और वहां से पकड़ेंगे ट्रेन सियालदह के लिए। वही आ गए काकड़ी रेलवे स्टेशन, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे सियालदह के लिए और यहाँ से काकड़ी से सियालदह तक लगेंगे हमें भाई 3 से 3.25 घंटे। ये सामने स्टेशन, ये है काकड़ी रेलवे स्टेशन। Yeah.
भाई फाइनली उतर गए न्यू गुड़िया रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और जाएंगे काली शक्ति पीठ मंदिर कलकत्ता। न्यू गुड़िया मेट्रो स्टेशन और भैया जी गए टिकट लेने। ये कुछ नज़ारा न्यू गुड़िया रेलवे स्टेशन भाई, यहाँ की पैसेंजर ट्रेन में भी बैठ गए कलकत्ता की, अब मेट्रो में भी बैठेंगे और बाद में ट्राम में भी। हर ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे कलकत्ता का और आपको भी कराएंगे। अभी हम हैं न्यू गुड़िया मेट्रो स्टेशन। तो फाइनली हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। दोनों मंदिर जाएंगे, यह है कलकत्ता मेट्रो स्टेशन भाई। धीरे धीरे हर व्हीकल को ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। हमने अभी कलकत्ता बस को यूज कर लिया है, कोलकाता लोकल को यूज कर लिया है, अब कलकत्ता मेट्रो को यूज करने जा रहे हैं जो कि सामने खड़ी है। ये देखो कलकत्ता मेट्रो, और इससे जाएंगे वो आगे आ जाओ आपके। ये कलकत्ता मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो ये है कोलकाता मेट्रो। अब इससे जर्नी करेंगे हम शक्तिपीठ काली मंदिर कोलकाता। अभी बंद हो चुकी है भाई हमारी मेट्रो, चलने के लिए तैयार है। कालीघाट मेट्रो स्टेशन जो कि आप देख रहे हैं, कालीघाट मेट्रो स्टेशन कोलकाता। और ये है एक टनल जिसमें मेट्रो जा रही है। कालीघाट मेट्रो स्टेशन कोलकाता से निकल रहे हैं बाहर सिद्ध काली पीठ मंदिर जाने के लिए।